तो हे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि गाइस आप लोगों की बहुत काम आने वाला है। और गाइस इसका जो है काम बहुत बड़ा होगा। काम बड़ा क्यों नहीं होगा गाइस, आप लोगों की साइकिल में हवा भरने वाला है। तो गाइस इसको कैसे बनाया, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। और गाइस वीडियो को लाइक दीजिएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने इसके लिए जो एक पाइप यहाँ पर ले लिया है, तो गाइस आप लोग भी एक पाइप को यहाँ पर ले लीजिएगा। और गाइस इसको जो है मैं अभी कट करने वाला हूँ और गाइस इसकी सीट को बनाने वाला हूँ। तो गाइस जल्दी से इसको कट कर इसकी सीट बना लेते हैं पहले। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसकी सीट बन चुकी है। और गाइस उसके बाद जो है अभी इस पर कुछ मार्किंग करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने इस प्रकार मार्किंग कर ली। और गाइस आप लोग अपने हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है चार पीसेस कट कर लिया है। तो अभी जो इनको सबसे पहले हम लोग चिपकाएंगे और गाइस उसके बाद जो है इसको एक अच्छे से बॉक्स बना लेंगे। तो गाइस हमने जो यहाँ पर तीन पीसेस के जो है चिपकाए हैं, अभी गाइस हम लोग को आगे और पीसेस को चिपकाना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक 3x3 का मैंने पीस ले लिया और गाइस इसके जो है एकदम सेंटर में मैंने होल किया है। तो गाइस इस होल को सबसे पहले तो मैं यहाँ पर काट लेता हूँ। और उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पर जो एक चार्जिंग पिन लगा देता हूँ, क्योंकि गाइस LG3500 मेरे पास जो भी 12 वोल्ट की सॉकेट नहीं थी, तो गाइस मैंने जो है इसी का यूज़ कर लिया। तो गाइस आप लोग इसकी जगह 12 वोल्ट की सॉकेट का जरूर यूज़ कीजिएगा। और ये जो इतने अच्छे से यहाँ पर जो है लग गया। और उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर इंस्टेंट ग्लू डाल दिया और मैंने यहाँ पर जो है इसका ऊपर वाला पीस लिया जिस पर गाइस मैंने मार्किंग कर दी और इसको जो है कट कर लिया है, जिसके लिए गाइस हम लोग जिसमें क्योंकि एक जो स्विच होता है उसको डालने वाले हैं। ये जो है बटन है अच्छे से इसके अंदर फिक्स आ जाए, क्योंकि मैंने जो इसको अच्छे से मार्क कर कट किया था, तो ये जो है आराम से फिक्स इसके अंदर आ ही जाएगा। तो आप सब लोग देखते हैं यहाँ पर जो ये लग चुका है। और गाइस उसके बाद मैंने दूसरा पीस लिया है जिसमें गाइस मैं यहाँ पर साइड में एक होल करने वाला हूँ। तो आप सब लोग देखते हैं यहाँ पर जो एक एयर पंप होता है जो साइकिल वाला, उसको गाइस मैंने यहाँ पर जो पाइप है उसको ले लिया। और गाइस उसके बाद मैं इसको इसके अंदर डालूंगा और ये जो है होल एकदम एक्यूरेट हुआ है, जिससे गाइस ये पाइप है इसके अंदर फिक्स आ रहा है। तो आप सब लोग देखते हैं यहाँ पर जो ये इसके अंदर अच्छे से आ चुका है। और उसके बाद जो मैं यहाँ पर एक 6 वोल्ट DC जो एयर पंप होता है उसका यूज़ कर रहा हूँ, जिसको गाइस आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए वहाँ से खरीद सकते हैं, क्योंकि इस मार्केट में तो ये जो है इजीली नहीं मिलता है। अगर आप लोग वहाँ पर मिल जाता है तो कोई बात नहीं, आप लोग खरीद सकते हैं। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो है मैं इसको फिक्स कर दूंगा और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसके ऊपर इंस्टेंट ग्लू डाल दूंगा। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर इसके ऊपर फेविटाइट भी लगाने वाला हूँ, जिससे गाइस इसमें जो है कोई भी लीकेज ना रहे और हमारी जो एयर है वो इधर उधर ना जाए। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो है अच्छे से मैंने इन दोनों को मिक्स कर लिया और उसके बाद जो इसके अंदर जल्दी से लगा लेते हैं। तो ये जो है अच्छे से लग चुका है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये सूख भी गया अच्छे से। तो अभी इसका जो एक्स्ट्रा पाइप है उसको कट कर देते हैं और यहाँ पर जो पाइप हम लोगों ने पहले लिया था जिसकी पाइप की सीट, उसको हम लोग यहाँ पर जो है लगाएंगे और हम लोग जो पहले बॉक्स बनाया था उसमें अच्छे से फिक्स करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस बॉक्स में मैं यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ और उसके बाद जो है अभी हम लोग को कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो जिसके कनेक्शन की डायग्राम की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो गाइस आप लोग वहाँ से इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इसके कनेक्शन में जल्दी जल्दी से आप लोगों को कर दिखा देता हूँ। वैसे गाइस एकदम इजी कनेक्शन है, तो आप लोग कर सकते हैं, बटन और मोटर और सीधे सॉकेट के कनेक्शन है। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से लगा लिया है और उसके बाद जो ये अच्छे से इंस्टेंट ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका लिया। तो अभी एक जो यहाँ पर वॉल मिलता है साइकिल की दुकान पर आप लोग को ईजिली मिल जाएगा, जो कि गाइस पंप में आगे लगा होता है, तो इसको जो है हम लोग लगाने वाले हैं, इस जो यहाँ पर पाइप है उसमें लगाने वाले हैं। तो इसको जो है अच्छे से लगा लेते हैं और गाइस जो इसका बोल्ट है उसको भी जो है हम लोग अच्छे से इसके ऊपर कस लेंगे और टाइट कर लेंगे। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो है अच्छे से फिक्स हो चुका है और उसके बाद जो है अभी हम लोग इसको टेस्ट करने वाले हैं। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पर जो है मैंने 12 वोल्ट इसमें जो है सप्लाई दे दी है और उसके बाद जो है अभी मैं साइकिल से हवा भरने वाला हूँ। तो गाइस मुझे जो है थोड़ा जल्दी जल्दी करना था, इसलिए मैंने 12 वोल्ट इसमें जो सप्लाई दी है। अगर गाइस आप लोग देंगे तो गाइस ज़्यादा टाइम तक चलाएंगे तो आप लोगों का ख़राब हो सकता है, इसलिए 6 वोल्ट ही दीजिएगा। तो गाइस मैंने यहाँ पर वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, जैसे गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इसमें थोड़ी जल्दी जल्दी हवा भर रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है एकदम अच्छा ये जो है वर्क करता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग के छोटे भाई का ही चैनल है। तो गाइस आज की वीडियो उतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।